हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी क्लास टेंथ के लेसन टेंथ अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। लेसन 10 सर्कल वृत्त। वृत्त क्या होता है? बिंदुओं का वह बिंदुपथ, बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है, जो किसी स्थिर बिंदु, मान लीजिए स्थिर बिंदु यह है, स्थिर बिंदु O, इससे नियत दूरी पर स्थित होता है वह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, कहीं से भी लेंगे दूरी क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। तो वृत्त की परिभाषा क्या हुई? बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा नियत रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होती है वृत्त कहलाती है। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र सेंटर कहलाता है और नियत दूरी वृत्त की त्रिज्या रेडियस कहलाती है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है या व्यास त्रिज्या का दूना होता है। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, तो जीवा क्या होता है? कार्ड। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। मान लीजिए ये दो बिंदु ए बी हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा वृत्त की जीवा कार्ड कहलाती है। और वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है और एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल। कोई भी जीवा किसी भी वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है। जैसे एक जीवा ए बी है, इस वृत्त खंड को दो भागों में, एक दीर्घ वृत्त खंड और एक लघु वृत्त खंड, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है। वृत्त की किसी चाप के अंत बिंदु तथा किसी जीव से के वृत्त के किसी चाप के अंत बिंदु से जाने वाली जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है। एक वृत्त खंड दीर्घ वृत्त खंड, एक वृत्त खंड लघु वृत्त खंड कहलाता है। व्यास वृत्त को दो बराबर वृत्त खंडों में विभाजित करती है, जिसे एक वृत्तखंड को हम अर्ध वृत्तखंड कहते हैं। यह व्यास है, इसको दो बराबर वृत्तखंडों में विभाजित करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? अर्ध वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड,
सेक्टर ऑफ सर्कल वृत्त के किसी चाप के अंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्या से घिरा भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त के किसी चाप के अंत बिंदु से तथा वृत्त से जाने वाली त्रिज्या से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। एक त्रिज्यखंड यह है इसके द्वारा और एक त्रिज्यखंड यहाँ, एक दीर्घ त्रिज्यखंड एक लघु त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। ये लघु त्रिज्यखंड होगा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। इसके बाद वृत्त का चाप क्या होता है? आर्क ऑफ सर्कल, वृत्त का चाप आर्क ऑफ सर्कल वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु वृत्त को दो चापों में विभाजित करते हैं। एक मेजर अर्क एक माइजर अर्क कहलाता है, एक लघु चाप एक दीर्घ चाप कहलाता है। संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त एक ही केंद्र वाले, एक ही केंद्र वाले दो वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यदि किन्हीं दो वृत्तों के केंद्र एक ही हों तो उस वृत्त को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, कॉन्सेंट्रल सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। यदि किन्हीं दो वृत्त की क्या केंद्र एक ही हो, संकेंद्री मतलब एक ही केंद्र, यदि इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है और इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, लेकिन इनकी इनका केंद्र क्या है, एक ही मान लीजिए क्या है, ओ है, तो एक ही केंद्र वाले दो वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। या यदि किसी किन्हीं दो वृत्तों के केंद्र एक ही हों तो वे दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कब कहलाता है, जब उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। मान लीजिए ये चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसके चारों शीर्ष क्या हैं, एक ही वृत्त पर स्थित हैं, तो यह चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। छेदक रेखा सीकेंट ऑफ सर्कल, छेदक रेखा क्या होती है? यदि कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं।
स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन टेंजेंट लाइन। यदि कोई सरल रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर केवल केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। स्पर्श बिंदु टेंजेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यदि कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु क्या कहलाता है? कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। हमने पढ़ा छेदक रेखा, यदि कोई वृत्त किसी, यदि कोई सरल रेखा किसी वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। यदि कोई सरल रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा त्रिज्यखंड वृत्तखंड, त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड, जीवा और चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्त, यदि दो वृत्तों के केंद्र एक ही हों तो उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इनकी आवश्यकता होगी प्रश्नों में। एक इस पे एक परमेय है, उसको हम लोग देखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। परमेय लिख लेते हैं हम लोग। परमेय फर्स्ट है, एडिशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई